हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा आप उसे कर लेना अच्छे से वही क्वेश्चन पेपर में आएगा और अगर कुछ एग्जामिनर ज़्यादा आगे जाता है तो क्लास एक और कॉन्सेप्ट है वही पूछा जा सकता है बट मैक्सिमम जो मैं आपको बताऊंगा वही आपके पेपर में आएगा आप उतना ही पढ़ के जा सकते हो छोटा सा चैप्टर है बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड

मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स आर मीट मार्केट वो प्लेस है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं आपस में और कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी सिंपल इसको बोलते हैं मार्केट अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं टाइप्स की बात करूं देर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्केट पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ओलिगोपोली एंड चौथा मोनोपोली। तो ये चार अलग अलग टाइप के मार्केट हैं मैं थोड़ा सा सेलर की बात करूं। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जो काल्पनिक है हाइपोथेटिकल जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती सिर्फ एक ऐसी मार्केट हो सकती है हम इसकी कल्पना कर सकते हैं हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसी कोई मार्केट होगी लेकिन रियल लाइफ में ऐसी कोई मार्केट नहीं है और सोचो यही मार्केट हमारे के अंदर है बाकी तीन हमारे का पार्ट नहीं है पहले हुआ करता था लास्ट टू ईयर से नहीं है सो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां अनगिनत सेलर है इनफाइट नंबर ऑफ सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां अनगिनत सेलर्स से। है जहां अगर मैं सेलर्स की बात करूं तो नंबर में इन्फिनाइट सेलर्स हैं अनगिनत सेलर्स हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर राइट इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेलर्स। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट जहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं बहुत सारे सेलर मतलब शैम्पू हो गया हेयर ऑयल हो गया सोप हो गया ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं इन्फिनइट मतलब आप काउंट नहीं कर सकते मोर मतलब बहुत सारे हैं ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ थोड़े बहुत सेलर्स हैं वे बड़े बड़े सेलर्स ऑटोमोबाइल कंपनी पेप्सिकोक ठीक है आ, या फिर टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है ना तो पेप्सिकोक तो नहीं क्या टेलीकॉम कंपनी हो गया कार और कार वगैरह तो ये सब क्लास फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स थोड़े बहुत सेलर्स हैं बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं थोड़े बहुत सेलर्स हैं मोनोपोली की बात करें जहाँ सिंगल सेलर अकेला सेलर राजा मार्केट का जिस दाम में बेचेगा जो बेचेगा खरीदना पड़ेगा क्योंकि अकेला मार्केट मोनोपोली अकेला है मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है कंपटीशन हमेशा प्राइस को रिड्यूस करता है यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है मोनोपोली है सिंगल सेलर राइट तो ये जो है फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओलिगोपोली और मोनोपोली अब हमें ये तीन पढ़ना नहीं है तो आज की पूरी चर्चा जो होगी वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर होगी ठीक है सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है क्या एक ऐसी मार्केट जहाँ बहुत सारे बायर्स हैं

लेकिन हमको पढ़ना में है और इसके ही फीचर्स हैं हैं जो आते हैं पेपर तो क्वेश्चन तो प्लीज पढ़ के चलना सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो होमोजीनियस है एक जैसा सेम कलर सेम साइज़ सब कुछ सेम एट आइडेंटिकल प्राइस किस प्राइस पे क्लास आइडेंटिकल प्राइस पे सो देर इज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस अब यहाँ पे हर कोई हर कोई एक ही सामान बेच रहा है एक ही प्राइस पे किसी के हाथ में प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं है मतलब मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं प्राइस को बढ़ा सकूँ या घटा सकूँ राइट इट इज़ अ मिथ मार्केट यानी कि एक क्लागेट मीन्स हाइपोथेटिकल बट सिमिलर मार्केट कुछ इससे मिलते जुलते मार्केट है रिटेल मार्केट और एग्रीकल्चर मार्केट से एग्रीकल्चर मार्केट में आलू प्याज भिंडी सेम सेम रहता है कुछ कुछ हद तक मिलता होता है बट सभी नहीं तो इसका जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट हॉरिजेंट लाइन है पैल टू एक्स एक्सिस आप देखोगे स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन है ये लाइन इसका डायग्राम है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डाइग्राम परफेक्टली इन इलास्टिक यहाँ पे एआर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस होता है एवरेज रेवन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस में पहले रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा रखा है आपको यहाँ ये प्राइस है, price को ए बोलते हैं प्राइस सेम है पांच रुपए एक क्वांटिटी दो तीन चार कितनी भी क्वांटिटी खरीदो प्राइस सेम रहेगा तो ये परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम ध्यान रखना ये इन्फिनिटी है इलास्टिक डिग्री क्या इंफिनिटी ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस ठीक है फीचर्स की बात करें इसी के फीचर्स पूछे जाते हैं तो सबसे पहला फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत सारे बायर्स हैं अनगिनत बायर अनगिनत सेलर सबके सब एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट नॉलेज ग्राहक को भी पूरा पता रहता है कौन सा प्राइस कौन सा प्रोडक्ट है किस प्राइस में मिल रहा है क्यों एक ही सामान है हर कोई हजारों सेलर है हर कोई उसी सामान को उसी प्राइस से बेच रहा है तो कोई बायर का पागल नहीं बना सकता ज़्यादा कम नहीं कर सकता प्राइस उसको पता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है कोई मार्केट को इजीली छोड़ के जा सकता है सरकार ने कोई लाइसेंस कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे हैं यहाँ पर नो सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे कोई भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं कराता क्यों प्रोडक्ट का प्राइस दस रुपए सब दस का बेच रहे हैं तुम एडवर्टीजमेंट कराओगे प्रोडक्ट का प्राइस ग्यारह हो जाएगा तो कौन तुमसे लेगा जब सब दस का बेच रहे हैं तो भाई एडवर्टाइजिंग कराओगे तो उसका कॉस्ट तो जुड़ेगा ना प्रोडक्ट के प्राइस में ग्राहक से तो वसूल है गए अपनी जेब से थोड़ी दोगे तो यहाँ पे सब सेम प्राइस में बेचते हैं कोई प्राइस को कम नहीं कर सकता कम करेगा नुकसान बाकी बाकी जो मार्केट में लोग बैठे हैं वो कम नहीं करने देंगे इसको प्राइस ना कम होता ना ज्यादा तो सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजिंग कोई भी इसमें एडवर्टाइजिंग नहीं होती कोई एड वगैरह कुछ नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब ये जहां बनाते हैं आमतौर पे वहीं भेज देते हैं तो दूर दराज भेजते नहीं है क्यों अब दूर दराज भेजेंगे तो वो खर्चा आएगा वो खर्चा सामान की कीमत में ऐड हो जाएगा यहाँ पे कीमत कांस्टेंट रखना है तो इसीलिए क्लास इस कोई भी ऐसा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का हो चाहे सेलिंग कॉस्ट हो ये बियर नहीं करते चलो इनफाइनाइट और डिटेल में चलते हैं कि यही चीज है इसमें अगर मैं बात करूं क्लास यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर सेलर्स हैं बायर्स कैन नॉट अफेक्ट देखो कोई भी अकेला बायर देखो अनगिनत बायर अनगिनत सेलर है कोई एक बायर बोलेगा मैं नहीं खरीदूंगा तो प्राइस कम नहीं हो जाएगा उससे कोई एक सेलर बोलेगा मैं नहीं बेचूंगा तो प्राइस कम नहीं हो जाएगा अकेला बायर अकेला सेलर प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है भाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी है डिमांड सप्लाई इन्फिनिटी है एक कम हो जाएगा एक बढ़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है इन्फिनिटी में से एक चला गया इन्फिनिटी में एक जुड़ गया तब भी क्या रहेगा रहेगा तो इन्फिनिटी ही ना तो इसीलिए क्लास इंडिविजुअल बायर सेलर कभी भी इसके प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते तो इम्प्लीकेशन क्या है इसका ध्यान रखना कभी कभार क्या आता है कि बोलता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का इम्प्लीकेशन क्या है वो लिखो और मीनिंग लिखो तो ये पूरा पेज लिखना है और पहले परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग लिखना फिर उसकी फीचर की मीनिंग और फिर उसका इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन मतलब तो इम्पैक्ट असर क्या होगा नो इंडिविजुअल सेलर और बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बायर एंड सेलर प्रोडक्ट आर जस्ट प्राइस टेकर अब ये वर्ड यहाँ ध्यान रखना परफेक्ट कॉम्पिटिशन को प्राइस टेकर फर्म कहा जाता है क्योंकि इनका काम प्राइस लेना है ये प्राइस को बनाते नहीं है प्राइस ऑलरेडी मार्केट ने सेट कर दिया इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है जो इंडस्ट्री होती है जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो प्राइस को सेट करती है अब जो कंपनियां होती हैं कपड़ों की उनका काम प्राइस को लेना है अपने आप से प्राइस नहीं बना सकते ये तो इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म को प्राइस टेकर फर्म कहा जाता है प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जिसकी वजह से हमने डायग्राम देखा होगा डिमांड कर्व इलास्टिक है और बायर के पास कोई बार्गेनिंग पावर इसमें नहीं होता है दूसरा है क्लास होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में सेलर जो सामान बेचता है सेम शेप सेम साइज़ सेम क्वालिटी बिल्कुल आइडेंटिकल इन साइज शेप कलर वेट सब कुछ तो बायर के पास कोई चांस नहीं है कि बायर बोलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए मुझे वो वो चाहिए दूसरा सामान दिखा दो दूसरे कलर का नहीं जीरो डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भैया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता इसकी वजह से क्लास प्राइस क्या रहता है एम्प्लीकेशन यूनिफॉर्म तुम्हारा सामान ही एक जैसा है तो तुम प्राइस कैसे ज़्यादा चार्ज कर लोगे तो प्राइस यहाँ जो मिलता है वो यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम प्राइस मिलता है ये इम्प्लीकेशन है क्लास होमोजीनियस प्रोडक्ट का थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे प्राइस कर, करोगे तो क्लास बाहर निकल जाएगा तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है तो क्लास आपको बिल्कुल भी इसमें प्राइस चेंज देखने को नहीं मिलता है अगला परफेक्ट नॉलेज तो भैया देखो एक ही तो प्रोडक्ट है तो बायर को पूरी नॉलेज होती है बायरसन सेलर्स में फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रीवेलिंग प्राइस प्रीवेलिंग मतलब जो चल रहा है प्राइस ठीक है दे आर ऑल्सो अवेयर दैट द कि एक ही प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है उनको पता है सेम प्राइस है और जिसकी वजह से क्या होता है इंश्योर दैट नो सेलर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम इट्स बायर्स कोई भी सेलर अपने बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता ओके okay? नेक्स्ट फ्री एंट्री एग्जिट अ फॉर्म कैन एंटर और लीव एनी टाइम इंडस्ट्री इंडस्ट्री से कभी भी आ सकता जा सकता है देर इज़ नो लाइसेंस नो रेस्ट्रिक्शंस पुट बाय द गवर्नमेंट सरकार ने कोई रोक टोक नहीं लगाया कोई भी मार्केट में इजीली एंटर कर सकता है छोड़कर इजीली जा सकता है अब इसके इम्प्लीकेशन ध्यान समझना इसके इंप्लीकेशन ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के तो अगर आपका कम समय है शॉर्ट रन आपका छोटे समय का बिज़नेस आप कर रहे हो तो मे बी क्लास छोटे समय के बिज़नेस में आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा होता है या फिर सुपर नॉर्मल लॉस कमाओ बट इन लॉन्ग रन फॉर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा मैं इसका मतलब समझाता हूँ आई नो आप नहीं समझे ठीक है देखो यार अगर तुम्हारा छोटा बिजनेस है तो क्या पता धंधा बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए या बराबर रहे लेकिन अगर बड़े समय का बिजनेस है ना तो धंधा नॉर्मली होगा मैं एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है मैं एक खिलाड़ी हूँ ठीक है और मैंने एक एक बॉल खेली मैंने छक्का मार दिया बस मुझे एक ही बॉल खेलने का मौका मिला तो मेरा स्ट्राइक रेट 600 का हो गया तो कोई देखेगा बोले इसका स्ट्राइक रेट 600 का है भाई तो इसने एक ही बॉल खेली है अगर मैं 50 60 70 बॉल खेलूं तो शायद मेरा स्ट्राइक रेट दोबारा सौ पे आ जाए भाई एक बॉल पे छक्का लग गया सभी पर थोड़ी छक्का लगेगा तो अगर मैं छोटे समय के लिए हूँ तो क्या पता बहुत ज़्यादा हो क्या पता मैं एक बॉल पर आउट हो जाऊँ तो एक बॉल पे जीरो रन जीरो का स्ट्राइक रेट तो अगर आप समय कम है तो आप बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हो बहुत कम भी कमा सकते हो बराबर भी कमा सकते हो अगर समय बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्लास कभी कम कभी ज़्यादा होते होते हो, वो क्या रह जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट रह जाएगा बाकी इनको डिटेल में आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है कभी था ही नहीं अदरवाइज क्लास में इसको डिटेल में डायग्राम बना के भी करवा देता बट हम ग्रेजुएशन के बच्चों कराते हैं यहाँ नहीं कराते लविंदर जितना चाहिए होगा उतना ही कराते हैं

प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और प्राइस हमको क्या रखना है क्लास यहाँ पे सेम रखना है ठीक है मार्केट प्राइस इज नॉट अफेक्टेड बाय सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नोट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑल फॉर्म इन इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट एट गिवन प्राइस सो यहाँ पे क्लास कोई भी प्राइस में चेंज नहीं होता यहाँ पे सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना होने की वजह से जो प्राइस है वो मेन्टेन रहता है सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अफेक्ट नहीं कर पाते प्राइस को जिसकी वजह से दुकानदार प्राइस को सेम रख पाते हैं

प्राइस किसने सेट किया इंडस्ट्री ने जैसे ग्रेसिम हो गया रेमंड हो गया ठीक है ये सब कपड़ों की इंडस्ट्री है ठीक है अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्री हो गया ये लोग कपड़ों की इंडस्ट्री नहीं फर्म है तो अब इंडस्ट्री ने बोला भाई ये प्राइस है और ये लोग इस प्राइस को फॉलो करेंगे और एक काल्पनिक है तो आपको सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है इस पर ये एक्चुअल में नहीं है ये दो कॉन्सेप्ट है लास्ट uh, चैप्टर के अंदर है बट लास्ट चैप्टर बड़ा है तो मैं यहीं पे करा देता हूँ इसको ध्यान समझना मतलब uh, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ना उसके अंदर है बट आज हम थ्योरी कर रहे हैं वो चैप्टर बड़ा है काफ़ी बड़ा लग जाएगा तो मैं आज ही से ख़त्म करा देता हूँ ये दो कॉन्सेप्ट से भी पेपर में पूछा सकता है एक है प्राइस सीलिंग और दूसरा है प्राइस फ्लोर ध्यान समझना प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है ठीक है अब जनरली क्या होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों कट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब बायर भी खुशी खुशी खरीदने को तैयार है और सेलर भी खुशी खुशी बेचने को तैयार है दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम बायर इतने में बेचना चाहता है सेलर बायर खरीदना चाहता है सेलर बेचना चाहता है जो दोनों प्राइस आएगा बराबर उसको बोलते हैं क्लास इक्विलिब्रियम प्राइस और राइट right? अब होता क्या है क्लास आइए तो हो गया क्लास आपका इक्विलिब्रियम प्राइस अब क्वेश्चन कह रहा है प्राइस सीलिंग क्या है तो सरकार क्या करती है इस इक्वलिब्रियम प्राइस से भी नीचे एक सेट कर देती है प्राइस और ये कहते हैं मैक्सिमम है तुम भैया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है नेसेसिटीज़ ऑफ़ लाइफ तुम उसकी कीमत इससे भी ज़्यादा नहीं ले सकते इक्विलिब्रियम प्राइस से बहुत नीचे इसको सेट किया जाता है सो so दैट कि जो गरीब लोग हैं वो चीज़ों को अफोर्ड कर पाए जो जरूरतमंद की चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे नेसेसिटीज़ ऑफ़ लाइफ मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस है दस रुपये ये कहते हैं तुम सात रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते ये तुम्हारा मैक्सिमम है तुम इससे ज्यादा नहीं ले सकते प्राइस ग्राहक से क्योंकि चीज़ जरूरी है इसमें फायदा मत देखो हर कोई इंसान धरती पर जिंदा रहना चाहता है सीलिंग मीनस मैक्सिमम लिमिट प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर ये मैक्सिमम लिमिट अभी चार्ज नहीं कर सकते ऑफन द गवर्नमेंट फिक्स दिस प्राइस सरकार फिक्स करती है इक्कीलम प्राइस से भी नीचे सो दैट इट बिकम विद इन द रीच ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी के गरीब लोग भी इस चीज को अफोर्ड कर सके ध्यान रखना ऐसे ये हो गया ये किलो में प्राइस है लेकिन प्राइस सीलिंग इससे भी नीचे होता है ये प्राइस सीलिंग है ठीक है इससे भी नीचे ये मैक्सिमम लिमिट अभी इससे तो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते किन चीज़ों के लिए जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं ये नहीं कि आप बोलो सर गाड़ी बंगला बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वो सब नहीं जो ज़रूरी चीज़ें हैं लास्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस फ्लोर हमारे यहाँ जो किसान है ना उनको बहुत नुकसान हो रहा है आजकल क्योंकि कोई भी इंसान बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता खेती कोई नहीं करना चाहता अब सभी अगर खेती बाड़ी छोड़ देंगे तो हमें रोटी कौन देगा हमें अनाज कहाँ से मिलेगा हमें सब्ज़ियाँ कहाँ से मिलेंगी अगर सभी ऑफिस में बैठ के इसी में काम कर लेंगे तो कहाँ से मिलेगा फिर हमको समझ रहे हो बात को तो इसीलिए प्राइस फ्लोर कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सरकार ने क्या किया ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है इससे भी ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ऊपर किसान अपना अनाज सौ रुपये में बेचने को तैयार है डीलर्स खरीदने को तैयार हैं सौ रुपये में सरकार कहते हैं हम आपको एक सौ पच्चीस देंगे तुम्हारा अनाज की कीमत सरकार किसानों को एक्स्ट्रा पैसे देती है सौ का डेढ़ सौ देती है सो so दैट किसानों को कहीं से नुकसान ना हो मार्जिन मिले वो अच्छा काम करे कोई तो खेती करना नहीं चाहता कम से कम वो कर रहे हैं तो कम से कम देश को अनाज तो मिल रहा है तो ये उससे भी ऊपर प्राइस सेट कर दिया जाता है उनकी भलाई के लिए ताकि उनको अच्छा पैसा मिले तो हम तुम्हें सरकार कहती है सरकार का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एफ वो कहती है हम तुम्हारा अनाज एक में खरीद लेंगे हमें बेच दो अगर कोई तुम्हें उससे ज़्यादा दे रहा है तो उसे बेचो अदरवाइज तुम हमें बेच दो तो भैया ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ध्यान रखना ये मिनिमम है एक तुम्हें कम से कम देंगे तो तुम्हें उससे ज़्यादा ही मिलेगा तो किसान सेफ रहती है चलो यार कम से कम सरकार तो हमारा अनाज एक का ले लेगी तो वो सेफ रहती है ओके क्या है देखते हैं जरा इट मीन्स द लोएस्ट लिमिट प्राइस फ्लोर मीन्स द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट ये मिनिमम है तो मैं इतना तो मिलेगा ही मिलेगा है कम से कम फॉर अ कमोडिटी और ये हर प्राइस के लिए नहीं होता तो अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था एक डेढ़ साल पहले वो इसी चीज़ के लिए चल रहा था भैया ये जो है एम एस पी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भैया ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है मतलब इतना तो किसानों को देना ही देना है और हर चीज़ पे नहीं होता कुछ सिलेक्टेड आइटम्स uh, होते हैं उतना तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा तो अगर आप तुम ये चीज़ उगा रहे हो तो फिक्स फॉर प्राइस फ्लोर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आमतौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फूड ग्रेन के लिए होता है इन पर्टिकुलर फॉर बेनिफिट द फार्मर्स उस कंट्री कंट्री के फार्मर्स को फायदा देने के लिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसानों को सपोर्ट करने के लिए हम तुम्हें इतने रुपए देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे तो अगर तुम्हें किसी और को बेचना है तो और महंगे दाम में बेचो इससे ज़्यादा बेचो ये सौ है सौ तो पे तुम तैयार थे हम तुम्हें एक देंगे कम से कम तो तुम हम तो अनाज हमें एक में दे दो या किसी और को देना हो तो एक में दो एक में दो एक में दो ये तुम्हारे लिए मिनिमम है तो किसान सेफ है कि यार इतना तो हमें सरकार दे ही देगी कोई ना कोई तो हमारा अनाज ले ही लेगा पहले डीलर नखरे कर देते हैं अनाज खरीदते नहीं थे कि सस्ता दो तभी तो खरीदेंगे बेचारा किसान क्या करेगा अनाज घर लेके जा नहीं सकता इतनी जगह नहीं होती स्टोर करने की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाता है भर भर के अनाज ट्रैक्टर में जाता है ये है इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर तो प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए और यह एग्रीकल्चर्स प्रोडक्ट के लिए होता है सो तो दैट फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके थैंक यू वेरी मच और ये यह चैप्टर यहाँ पे हमने एंड कर दिया उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको अगली क्लास आखिरी होगी उस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे बस अच्छा लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को यहाँ पे अकाउंट डी को भी पूरी प्लेलिस्ट लिस्ट लगा दिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट और अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना क्लास अप्रिशिएट करने के लिए नीचे लाइक करके कॉमेंट जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में